हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सॉलिड स्टेट ये चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट इज यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में आपको क्या बताया था कि इस चैप्टर में टोटल फोर टाइप ऑफ यूनिट सेल हमें पढ़ना है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और HCP यूनिट सेल। इन चारों यूनिट सेल में से जो पहला तीन यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इन तीनों यूनिट सेल के लिए कुछ जनरल पॉइंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि इन तीनों यूनिट सेल का स्ट्रक्चर क्या है, इन यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, सिंपल क्यूबिक में कहाँ प्रेजेंट होते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट पार्टिकल। सॉलिड स्ट्रक्चर में जो कांस्टेंट पार्टिकल है, ये आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमें इन कांस्टेंट पार्टिकल को कैसे ट्रीट करना है, हार्ड स्फीयर। तो सिंपल क्यूबिक में कांस्टेंट पार्टिकल या लैटिस पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पोजिशंस पे। टोटल कॉर्नर पोजिशंस कितनी होती है, 8। सिमिलरली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कहाँ होते हैं, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर पे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कहाँ होते हैं, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर्स पे। तो ये सारे लैटिस पॉइंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता है और ये पता है कि हर किसी लैटिस पॉइंट का यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन आता है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ एटम या कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था और इसी जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड ये दो क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस के जैसे ही सॉलिड स्टेट में बाकी के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इन तीनों यूनिट सेल को डिटेल में स्टडी करना है। डिटेल में स्टडी करने का मतलब क्या हो गया कि इन यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी देखना है। जो यहाँ पर लैटिस पॉइंट है, मतलब कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल है, इस कॉन्स्टेंट पार्टिकल का जो रेडियस है उसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है क्यूबिक यूनिट सेल के एज लेंथ के साथ, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। यही सारे कुछ एडवांस पॉइंट हमें डिस्कस करना है, लेकिन पहले इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, FCC यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो FCC यूनिट सेल अपने पास कैसा होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, लैटिस पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स अपने पास कितने होते हैं, 8, और फेस सेंटर्स पे, किसी क्यूब में कितने फेस सेंटर होते हैं, 6, या आप बहुत इजीली बता सकते हो। कॉर्नर्स पे जो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल में, 1/8, और फेस सेंटर पे जो लैटिस पॉइंट होते हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, 1/2। तो ये फेस सेंटर क्रॉस से मैंने इंडिकेट कर दिया, टोटल 6 फेस सेंटर है। ये सर्कल से या डॉट से मैं क्या बना रहा हूँ, कॉर्नर्स। तो ये अपने पास FCC यूनिट सेल का स्ट्रक्चर होता है, और अभी तो केवल ये एक जनरल स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सा एटम को टच कर रहा है या इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा है ये थोड़ा बाद में पता चलेगा। अब आप आगे देखिए, इसमें ए और बी एटम्स हैं, ए एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे, और बी एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे। अब क्या बोला गया, इफ वन ऑफ ए एटम इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी, एक कॉर्नर से एक ए एटम मिसिंग है तो इस कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा। तो बताइए टोटल कितने कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, 7 पे, 1/8 कंट्रीब्यूशन आता है एक यूनिट सेल में, तो ए 7/8 एटम इस यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे, किसके, ए के। सिमिलरली बी कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे, फेस सेंटर कितने होते हैं, 6, क्या कंट्रीब्यूशन आता है, 1/2, तो बी कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 3 एटम्स। तो ये अपने पास क्या पता चल गया कि ए 7/8 और बी 3 एटम्स इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में प्रेजेंट है, और आपको क्या पता करना है, सिंपलेस्ट फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला। तो कन्वर्ट कर दो इसको, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ए 7 बी 24, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। और इसी टाइप के क्वेश्चन पूरे सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपको मिलेंगे, तो इस क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और बहुत ही इसी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपको क्या बता रखा है कि क्यूबिकल यूनिट सेल है, ठीक है भाई, और क्यूबिकल यूनिट सेल में एक्स वाई और जेड ये तीनों टाइप के एटम्स प्रेजेंट है। अब ये एटम्स कहाँ प्रेजेंट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है, तो बहुत अच्छे से इस इंफॉर्मेशन को आप पढ़िए। एक्स एटम्स कहां प्रेजेंट है, 6 कॉर्नर्स पे, ठीक है, एक्स एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। बाकी वाई एटम कहां प्रेजेंट है, रेस्ट ऑफ कॉर्नर्स पे। और क्या बता रखा है, एक क्यूब तो बना देता हूं मैं पहले,
और कहां प्रेजेंट है? फेस सेंटर्स विच आर नॉट ऑपोजिट। तो टोटल क्यूब में कितने फेस सेंटर होते हैं? 6। और जो फेस सेंटर जो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, तो ये कितने होंगे? 3 होंगे, हाफ ही होंगे। ये फेस सेंटर इसके ऑपोजिट सामने वाला है, वो फेस सेंटर इसके ऑपोजिट ये वाला है। तो इस तरीके से फेस सेंटर्स विच आर नॉट ऑपोजिट, वहां पर वाई एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो टोटल ये फेस सेंटर्स कितने आएंगे? 3 आएंगे। जैसे कि ये फेस सेंटर है, इसके ऑपोजिट यहां नहीं प्रेजेंट होगा। ये फेस सेंटर है और ये दोनों फेस सेंटर ऑपोजिट नहीं है, एडजेसेंट में है, तो यहां प्रेजेंट नहीं होगा। सिमिलरली और कौन सा फेस सेंटर हो सकता है? ये फ्रंट वाला। फ्रंट वाले के ऑपोजिट में कौन सा है? वो बैक वाला। तो इन तीनों फेस सेंटर, तीनों एडजेसेंट फेस सेंटर्स पे वाई प्रेजेंट है और रेस्ट ऑफ द कॉर्नर्स पे वाई है। सिमिलरली जेड कहां है? रेस्ट ऑफ फेस सेंटर्स, मतलब कि बाकी के तीन फेस सेंटर्स पे ये है, प्लस बॉडी सेंटर पे है। तो आपको ये पता चल गया कि x कहां प्रेजेंट है, y कहां प्रेजेंट है, z कहां प्रेजेंट है। तो ये लैटिस पॉइंट आपको पता चल गया। हर किसी लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन पता है, तो आप क्या पता कर सकते हो कि इस यूनिट सेल में कितना x है, कितना y है और कितना z है। ये पता करने के बाद सिंपलेस्ट फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला हम बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही बताना है कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। x अपने पास 6 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। y कहां प्रेजेंट है? y अपने पास प्रेजेंट है रेस्ट ऑफ कॉर्नर्स प्लस एडजेसेंट फेस सेंटर्स और नॉट ऑपोजिट फेस सेंटर्स। तो टोटल कितने फेस सेंटर हो जाएंगे? 3, आधा प्लस 2 कॉर्नर, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8। z कहां प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर एक होता है, एक ही कंट्रीब्यूशन होगा। रेस्ट ऑफ फेस सेंटर्स 3 × 1/2। तो ये अपने पास कितना हो गया? 3/4। ये हो गया 3/2, 1/4, 1/4 6/4, इसको मैं लिख सकता हूं, ये 1/4 हो गया। तो y हो गया 7/4, z हो गया अपने पास 3/2 प्लस 1 5/2, तो 10/4 लिख सकते हैं। तो जनरल फार्मूला अपने पास इसका कितना आ जाएगा? x3 y7 z 10। ये हो गया जनरल फार्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछना है यहां पे? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का डेंसिटी कितना होगा। तो कंपाउंड का डेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? कंपाउंड मतलब स्पेस लैटिस का बात है, स्पेस लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में आप डेंसिटी बता दो, वही डेंसिटी किसका हो जाएगा? कंपाउंड का। तो डेंसिटी कैसे आता है? सिंपल है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इस क्यूबिकल यूनिट सेल में जितना मास है वो आप फाइंड आउट कीजिए। तो मास किसका होता है? खाली स्पेस का तो मास नहीं होता, एटम्स का मास होता है। एटम्स अपने पास कौन कौन से हैं? x है, y है और z है। इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना x है, कितना y है और कितना z है, ये आपको पता है। इंडिविजुअली x, y, z का जो एटॉमिक मास है वो भी आपको दे रखा है। तो बेसिकली मास तो आप पता कर लोगे यूनिट सेल के अंदर, और यूनिट सेल के वॉल्यूम्स अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? इस कंपाउंड का डेंसिटी आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ कंपाउंड लिख देते हैं, और यही डेंसिटी आपको आगे जाके इन तीनों यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक, उन सभी में भी डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी हम आंसर बता सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी कौन नहीं बता सकता, मास बाय वॉल्यूम ही तो करना है। तो बताइए एक पर्टिकुलर क्यूबिकल यूनिट सेल में कितना मास है, या सबसे पहले आप ये बता दो कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब। ए अपने पास क्या हो गया? इसका एच लेंथ, और एच लेंथ हमें दे रखा है कितना? 2 एंगस्ट्रॉम। तो 2 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 2 × 10⁻¹⁰ मीटर क्यूब। ये अपने पास डेंसिटी में वॉल्यूम तो आपने निकाल लिया। मास अपने पास कितना आएगा? एक्स इतना है, वाई इतना है और जेड इतना है, और एक्स वाई और जेड का एटॉमिक मास आपको दे रखा है। तो एटॉमिक मास कितना है? 40, 60, 80 amu, एक एटम का मास। एक मोल का मास मत लिख देना, क्योंकि एक मोल में तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, और यहाँ पे तो केवल इतने ही एटम प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में। तो x एटम अपने पास कितना है? 3/4, और x के एक एटम का मास कितना है? 40 amu। amu कितना होता है? 1.67 × 10⁻²⁷ kg। तो ये तो सब में कॉमन ही आ जाएगा ना, तो लिख देता हूं 3/4 × कितना हो गया? 40 प्लस y अपने पास इस यूनिट सेल में कितना है? 7/4 × 60। z कितना है? 10/4 × 80 × 1.6 × 10⁻²⁷ kg। ये एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में अपने पास मास है, और ये उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का वॉल्यूम है। मास किस में आ गया? kg में। वॉल्यूम किस में आ गया? मीटर क्यूब में। तो ये पर्टिकुलरली इस कंपाउंड का डेंसिटी आ जाएगा।
तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, केवल आपको ये पता करना है कि कौन से टाइप के एटम कौन से टाइप के लैटिस पॉइंट पे प्रेजेंट है, हर किसी लैटिस पॉइंट का यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे और सॉलिड स्टेट चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं वापस से सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पे, इनका डिटेल्ड स्टडी हमें करना है। तो डिटेल स्टडी करने के लिए बेसिकली इन यूनिट सेल का जो असली में स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ फिगर्स मैं आपको दिखाऊंगा, उन फिगर्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है। फिगर्स को देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि यूनिट सेल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, और उस यूनिट सेल को अगर आप सारी पॉसिबल डायरेक्शन में डुप्लीकेट कर दोगे तो स्पेस लैटिस मतलब कि कंप्लीट पैकिंग भी बन जाएगा। तो बहुत अच्छी इमेजिनेशन आपको यूज करनी है और यूनिट सेल से पैकिंग का फॉर्मेशन भी आपको करना है। इनफैक्ट पैकिंग हम बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल है ये कौन से टाइप की पैकिंग से मिलता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कौन से टाइप की पैकिंग से मिलता है, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो अपने पास है यहां पर पैकिंग आपको समझ में नहीं आएगी, वो सब हम बाद में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब यूनिट सेल तो आपको पता है, जनरल स्ट्रक्चर पता है, और ये आपको पता है कि इस यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट है और हर किसी लैटिस पॉइंट का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उस कंट्रीब्यूशन से आप क्या बता सकते हो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या इफेक्टिव नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, ये आप बता सकते हो, और टोटल लैटिस पॉइंट बता सकते हो। ये थोड़ी सी जनरल पॉइंट्स आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, लेकिन आज हमें बेसिकली क्या पता करना है, जैसे कि ये जो लैटिस पॉइंट्स है, लैटिस पॉइंट्स को हम क्या कंसिडर करते हैं, हार्ड स्फीयर, या लैटिस पॉइंट मतलब कि कांस्टेंट पार्टिकल। कांस्टेंट पार्टिकल क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, हमें तो हार्ड स्फीयर्स पे डील करना है। ये जो हार्ड स्फीयर्स इनका क्या होगा, रेडियस, और क्यूबिक यूनिट सेल है तो क्यूब का अपने पास क्या होता है, एच लेंथ ए, तो आर और ए में रिलेशन आपको पता करना है। इसके बाद आपको ये पता करना है कि इफेक्टिवली, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको डिस्कस किया था कि ये पॉइंट्स हमें डिटेल में स्टडी करना है किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट सेल के लिए, इफेक्टिवली कितना एटम्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट, इसीलिए उनको लैटिस पॉइंट आप बोला करो ताकि आप बार बार एटम मॉलिक्यूल या आयन लिखने का जरूरत ना पड़े। इफेक्टिवली नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, और क्या पता करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एकदम सिंपल है, कोई भी पर्टिकुलर आइटम कितने सारे आइटम से कनेक्टेड है और कितना आइटम से कनेक्टेड होगा वो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा। और आपको क्या पता करना है, डेंसिटी पता करना है, पैकिंग एफिशिएंसी पता करना है कि कितना अच्छे से इस यूनिट सेल में आइटम्स पैक्ड हैं और कितनी कम खाली जगह है, और क्या पता करना है, पैकिंग पता करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें आज के लेक्चर में हर किसी यूनिट सेल के लिए पता करने हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर दो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एक फिगर आपको दिखाया जा रहा है, इस फिगर को आप बहुत अच्छे से देख लो। इस फिगर को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा एटम को टच कर रहा है, या बेसिकली एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ये सारी इंफॉर्मेशन इस फिगर से आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले तो एक इसका सिंपल स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। इस सिंपल स्ट्रक्चर से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, केवल इतना समझ में आता है कि इसमें लैटिस पॉइंट्स कहां पे प्रेजेंट है और यूनिट सेल कौन सा है। तो लैटिस पॉइंट्स अपने पास कहां है, कॉर्नर्स पे। टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल है। तो जहां केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते उसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव टाइप या सिंपल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉल स्टिक मॉडल। बॉल स्टिक का मॉडल, इसका मतलब केवल इतना सा है कि ये जो बॉल्स है मतलब कि लैटिस पॉइंट्स है, इन लैटिस पॉइंट्स को स्टिक से कनेक्टेड कर दो तो उससे आपके पास एक जनरल स्ट्रक्चर पता चल जाएगा यूनिट सेल का, लेकिन ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता। एक और अपने पास क्या होता है, स्पेस फिलिंग मॉडल, मतलब यही करेक्ट होता है। और इसी से आपको पता चलता है कि ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जहां पर भी लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, जहां पर भी स्फीयर्स प्रेजेंट है, ये स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये जो बेस है, इस बेस में बेसिकली ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और अगर आप इसका टॉप व्यू देखो तो टॉप व्यू आपको किस तरीके से नजर आएगा,
ये एक स्क्वायर आपको नजर आएगा, चारों कॉर्नर्स में यहाँ पे लैटिस पॉइंट है और ये सारे लैटिस पॉइंट में जो स्फीयर प्रेजेंट है ये सारे स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कहीं पर भी एम्प्टी स्पेस नहीं है इस तरीके से। ये हो गया अपने पास टॉप व्यू, और ये टॉप व्यू या करेक्ट स्ट्रक्चर आपको पता होगा तभी आप आर और ए में रिलेशनशिप बता पाओगे, वरना आपको रिलेशनशिप कभी भी पता नहीं चलेगा। सिंपली हम आर और ए में भी रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये देखो कि किस तरीके का पैकिंग किया जा सकता था जिस पैकिंग से एक ऐसा स्पेस लैटिस बनता जिस स्पेस लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट से लाता। तो इस फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, देखो एक पर्टिकुलर लेयर में ये कितने एटम्स है, चार एटम्स है, और इसको अगर इधर डुप्लीकेट करो इधर डुप्लीकेट करो बैकवर्ड फॉरवर्ड हर किसी पॉसिबल डायरेक्शन में डुप्लीकेट करो तो वापस स्पेस लैटिस बन जाएगा। ये चारों एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसके पीछे भी यूनिट सेल होगा तो उसमें भी एटम्स इस तरीके से होंगे, आगे भी यूनिट सेल होगा, साइड में भी यूनिट सेल होगा। तो ये पैकिंग अभी तो आपको समझ में आ ही गया, ऐसा पैकिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, नाम भी बताया था। ये बेसिकली अभी एक ही लेयर की बात है, लेयर ए बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वेयर, और एटम्स क्लोजली पैक्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वेयर क्लोज पैकिंग, इसको बोल दिया मैंने लेयर वन। अब बताइए लेयर टू कहाँ है, इन चारों एटम्स के जस्ट ऊपर ये लेयर टू है, और ये एटम्स कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड इसका मतलब क्या है कि लेयर टू को लेयर वन के एग्जैक्टली ऊपर प्लेस किया गया ताकि इनके एटम्स मैच करें। ऐसा नहीं है कि लेयर वन में ये जो खड्डे हैं, खड्डों को क्या बोलते हैं, वॉइड, ऐसा नहीं है कि लेयर टू को लेयर वन के वॉइड्स में प्लेस किया गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेयर टू को लेयर वन के एग्जैक्टली जस्ट अबव प्लेस किया गया है ताकि जो लेयर टू के एटम्स हैं वो लेयर वन के एटम्स से मैच करें। तो अगली लेयर भी कुछ ऐसी आ रही है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लीटली, क्योंकि 3D पैकिंग होता तभी यूनिट सेल आपको 3D मिल सकता है, तो क्या बोलना पड़ेगा, स्क्वेयर क्लोज पैकिंग इन 3D। और इस पर्टिकुलर पैकिंग से आप ये भी बता पाओगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर एटम कितना एटम से कनेक्टेड है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर आप बहुत अच्छे से बता पाओगे। और इस पैकिंग को और क्या बताना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर लेयर को हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल पैकिंग, मतलब उसको एक लेयर ए बोलते हैं। अगली लेयर कहाँ प्लेस किया है, जस्ट इसके ऊपर प्लेस किया तो उसका नाम वापस से क्या चला जाएगा, ए। तो ऐसी पैकिंग को क्या बोलते हैं, AA टाइप पैकिंग। और अगर मान लो कि लेयर ए के जो वॉइड्स होते हैं उन वॉइड्स में लेयर बी को प्लेस किया जाता तो उसको लेयर बी बोलना पड़ता, फिर वैसी पैकिंग को क्या बोलते हैं, AB टाइप पैकिंग। फिलहाल अगर आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाने के लिए स्क्वेयर क्लोज पैकिंग करना पड़ेगा, और स्क्वेयर क्लोज पैकिंग इन 3D में लेयर AAA इस टाइप का अरेंजमेंट होना चाहिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से पता चल गई, इस फिगर से पता चल गई, और ये जो जनरल अपने पास क्यूबिक यूनिट सेल आपने बनाया था उससे पता कर लिया। इसी क्यूबिक यूनिट सेल को हर किसी पॉसिबल डायरेक्शन में डुप्लीकेट किया तो कंप्लीट स्पेस लैटिस मतलब की कंप्लीट पैकिंग बन गया। तो ये जो यूनिट सेल है आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब आप इसके लिए बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लो। तो पहला पॉइंट अपने पास क्या आ गया, आर और ए में रिलेशनशिप आपको बताना है। आर अपने पास क्या होता है, रेडियस ऑफ हार्ड स्फीयर, और ये हार्ड स्फीयर कहां प्रेजेंट है, मतलब कि कांस्टेंट पार्टिकल को और क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। ए अपने पास क्या है, एज लेंथ। तो ये कंप्लीट करेक्ट स्ट्रक्चर आपको पता होगा ना, तभी आप ऐसा बता सकते हो। और करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, स्पेस फिलिंग मॉडल। ये तो अपने पास बॉल स्टिक मॉडल है, इससे आपको कुछ समझ में नहीं आ सकता। तो बताइए इस स्ट्रक्चर से आप देखिए तो एक ही बात समझ में आ रही है कि सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये अपने पास डिस्टेंस कितना है आर, ये डिस्टेंस कितना है आर, और इसको हम क्या बोलेंगे, इस क्यूब का एच ए। तो क्या पता चल गया, ए इज इक्वल टू 2R, यहीं से आपको पता चल गया। जो एच लेंथ है इस क्यूब का वो हार्ड स्फीयर का जो रेडियस है उसके जस्ट डबल के इक्वल है, तो ए और आर में रिलेशनशिप आपको पता चल गया। और क्या पता करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग आपने पता कर लिया, डेंसिटी पता करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर में चाहूं तो यूनिट सेल से भी पता करके दिखा सकता हूं, और चाहे तो हम इस पैकिंग से भी पता करके दिखा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर
अब देखना कोऑर्डिनेशन नंबर कहां से दिखाऊं, सबसे पहले तो ऐसा करता हूं कि यूनिट सेल से आपको दिखा देता हूं, क्योंकि यूनिट सेल से भी आपको दिख ही जाएगा, बहुत अच्छे से दिख जाएगा। ये जो पर्टिकुलर एटम है किससे कनेक्टेड है, किसी भी पर्टिकुलर साइड में ये जो एटम्स है इनसे कनेक्टेड है। यहां आगे भी यूनिट सेल होगा, इधर भी आगे यूनिट सेल होगा, सिमिलरली इधर भी ऊपर यूनिट सेल होगा। तो ये एटम किससे कनेक्टेड होगा, 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6, तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6। चाहे तो पैकिंग से भी पता कर सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाने के लिए कौन सा पैकिंग होना चाहिए, स्क्वायर क्लॉस पैकिंग इन 3D। तो कोई भी एक कंसिडर कर लो आप एटम, जैसे इस एटम की अगर बात करें तो ये किससे कनेक्टेड है, 1 2 3 4, इसी पर्टिकुलर लेयर में, इसी 2D लेयर में कितना एटम से कनेक्टेड है, 4। इसके ऊपर एक लेयर होगा, इसके बिलो एक लेयर होगा, तो यहाँ एक एटम से कनेक्टेड होगा 5, इसके जस्ट पीछे भी एक एटम होगा उससे भी कनेक्टेड होगा, टोटल कितना हो गया, 6। तो ये 5 ये 6, तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास कितना आ गया, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने पता कर लिया, R और A में रिलेशनशिप पता कर लिया, अब पैकिंग एफिशिएंसी पे आ जाते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि कितना वॉल्यूम आपने पैक कर दिया और कितना वॉल्यूम एम्प्टी है यूनिट सेल के अंदर। तो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी को हमेशा परसेंटेज के तौर पर बताएंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम पैक्ड बाय स्फीयर्स और कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स और लैटिस पॉइंट्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि यूनिट सेल कैसा है, क्यूबिक, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, 1 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100। तो बताइए क्या टोटल वॉल्यूम हो सकता है जो आपने पैक किया है, तो बताइए पैक किसकी वजह से होगा, स्फीयर्स की वजह से, मतलब कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की वजह से, और यहां पर इफेक्टिवली कितना स्फीयर्स या कितने इफेक्टिवली कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये बहुत अच्छे से हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा, जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, और कौन से यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक। बताइए इस यूनिट सेल में केवल पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट है, लैटिस पॉइंट केवल कहां पे, कॉर्नर्स पे, 8 कॉर्नर्स मल्टीप्लाइड बाय 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू एवरी कॉर्नर। तो टोटल यहाँ पे इफेक्टिवली कितना एटम प्रेजेंट है, 1। तो जो वॉल्यूम अपने पास पैक्ड होगा वो 1 स्फीयर की वजह से होगा। अब आ जाएगा यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी, 1 स्फीयर है, 1 स्फीयर का कितना वॉल्यूम होता है, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो कितना होता है, 1 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100। इसमें अगर आप आर और ए का रिलेशनशिप पुट कर दोगे और इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 52.33%। केवल 52% यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी है, मतलब कि रेस्ट 48% ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट सेल इज एम्प्टी। तो बहुत अच्छा पैकिंग नहीं है, और इसके आगे की जो यूनिट सेल आएगी उनमें ज़्यादा बेटर पैकिंग होगा, क्योंकि वहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा आने वाला है। और हम क्या पता कर सकते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी का तो सिंपल फार्मूला है, वहाँ पे तो बेसिकली आपको कोई फार्मूला याद भी नहीं रखना है, सिंपली आपको इतना देखना है कि मास बाय वॉल्यूम, मास कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, यूनिट सेल में, और वॉल्यूम भी किसका, यूनिट सेल का। मास किसकी वजह से आता है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल की वजह से आता है, एम्प्टी स्पेस की वजह से कोई मास नहीं है। तो डेंसिटी आपको पता करना है, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। अब बताइए मास, तो टोटल अपने पास यहाँ पे कितने कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है या कितना एटम्स प्रेजेंट है, लेट अस से कि जेड, और एक एटम का मास कितना होगा, एम बाई एन। एम यहाँ पे क्या है, एम बाई एन करने से ही आपको पता चल गया, एम क्या हो गया, एक तरीके से मोलर मास, मोलर मास का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ वन मोल। तो एक मोल एटम से आपको क्या निकालना, एक एटम का मास, तो मास ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा, मास ऑफ वन मोल एटम किस में आना चाहिए, ये ग्राम में हमें पता होता है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल, कितना एटम्स होता है, एन है। तो ये अपने पास वन एटम का मास, ये मल्टीप्लाई कर दिया इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है, तो ये यूनिट सेल के अंदर टोटल मास हो गया डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम अपने पास क्या होता है, ए क्यूब, क्यूब का यही वॉल्यूम है। ए अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, एच लेंथ, बी और सी से कोई काम नहीं है क्योंकि ए बी और सी तीनों इक्वल होता है क्यूब में, और ये हम यहाँ पे किस में पुट कर सकते हैं, लेट अस से कि अगर सेंटीमीटर में पुट करें तो ये कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर अपने पास यहाँ मास किस में आ रहा है, ग्राम में। तो ये जो डेंसिटी है
ये किस में आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आप चाहो तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो भी यहाँ पे ए दे रखा है इसलिए आप उसको चाहो तो मीटर में भी पुट कर सकते हो, तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। सिमिलरली एम बाई एन ए करके एक एटम का मास निकालने का क्या जरूरत है, आपको ऑलरेडी एक एटम का मास पता होता है। जैसे मान लो कि सोडियम की बात करें तो सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है, 23 AMU, या एक मोल एटम का मास कितना होता है, 23 ग्राम। अब एक मोल के एटम में, सॉरी एक मोल एटम के मास 23 ग्राम में आप एन ए का डिवाइड करो तब भी वो तो 23 AMU ही आना है, और AMU का वैल्यू आपको पता है 1.67 × 10⁻²⁻²⁻ किलोग्राम, या 1.67 × 10⁻²⁻²⁻ ग्राम। तो इस तरीके से आपको किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक एटम का मास या तो आप ऐसे पता कर पाओगे, या ऑलरेडी आपको पता है टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, इस तरीके से क्या निकाल लेंगे, डेंसिटी। अब लास्ट पॉइंट आप देखना, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको वापस से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाना पड़ेगा। नियरेस्ट नेबर जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम के, उनकी डिस्टेंसेस आपको निकालनी है, और ये सारी डिस्टेंसेस आपको फील होनी चाहिए कि सबसे लेस डिस्टेंस कौन सा है, इसके बाद ग्रेटर डिस्टेंस कौन सा है, इसके बाद ग्रेटर डिस्टेंस कौन सा है। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना दिया। अब बताइए, जैसे मान लो कि इस एटम को कंसिडर कर ले, तो इसका नियरेस्ट नेबर कौन है, तो बताइए नियरेस्ट नेबर कौन है, या तो ये एटम आपको दिख रहा है, या फिर ये एटम आपको दिख रहा है, या फिर इसका ये एटम भी दिख सकता है बॉडी डायगनल पर। तो आपको बस इतना ही देखना है कि नियरेस्ट नेबर कौन सा है जहां पर डिस्टेंस सबसे कम होगा। इन दोनों एटम्स का जो सेंटर है वही कॉर्नर पर है, तो इन दोनों कॉर्नर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, एज लेंथ, या और कितना डिस्टेंस आप मान सकते हो, दोनों एटम्स कनेक्टेड है तो R प्लस R, टोटल कितना डिस्टेंस है 2R, 2R को और क्या बोल सकते हैं हम, एच लेंथ A के बराबर ही बोल सकते हैं। तो एक डिस्टेंस अपने पास क्या आ गया, A। फेस डायगनल में डिस्टेंस कितना होता है ये आपको पता है, नहीं पता है तो वापस से मैं बता देता हूं। कहीं पर भी आप एक फेस डायगनल बनाओगे ना, तो फेस डायगनल का जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा, जैसे कि मान लो आप बॉटम वाले फेस को देख लो, सभी 90 डिग्री के एंगल हैं, ये कितना हो गया अपने पास ए, ये अपने पास कितना हो गया ए, तो ये क्या हो गया फेस डायगनल, डायगनल कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये सब पता है लेकिन फिर भी बता देता है एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट टू है। किसी भी क्यूब का जो फेस डायगनल होता है उसकी लेंथ कितनी आती है, रूट टू है। तो एक ये आपको डिस्टेंस दिख रही है। सिमिलरली बॉडी डायगनल की अगर बात करें तो बॉडी डायगनल का डिस्टेंस कितना आएगा, यहीं से देख लेते हैं। ये बॉडी डायगनल बोलेंगे हम, ये वाला बॉडी डायगनल। अब बॉडी डायगनल का डिस्टेंस कितना आएगा तो कैसे निकालना पड़ेगा, ये जो नीचे फेस डायगनल है और ये जो साइड है, ये प्रिंसिपल और बेस का बात, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये कितना है, रूट टू ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 3a² और 3a² का अंडर रूट आपको लेना है तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 3a। तो ये बॉडी डायगनल हो गया। तो बॉडी डायगनल पे यहाँ से जो एटम प्रेजेंट है उसका डिस्टेंस कितना होगा, रूट 3a। अब आपको बेसिकली ये देखना है कि कौन सा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, कौन सा डिस्टेंस लॉन्गेस्ट है, उसी के हिसाब से आप बता सकते हो कि इसके नियरेस्ट नेबर कौन सी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। जैसे कि 1, 2, 3, तो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कौन सा ए है, उसके बाद रूट टू ए और उसके बाद रूट थ्री ए है। तो ये आपने और क्या पता कर लिया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोई भी एक पर्टिकुलर एटम को आप कंसिडर करो, इसके पास जो नियरेस्ट नेबर्स प्रेजेंट है, इन नियरेस्ट नेबर्स की क्या डिस्टेंस है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, पैकिंग एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और नियरेस्ट नेबर्स। पैकिंग एफिशिएंसी के साथ साथ आपने ये भी बता दिया कि हार्ड स्फीयर्स को 3D में किस तरीके से पैक करना चाहिए ताकि उसमें से यूनिट सेल आपको क्या मिल जाए, सिंपल क्यूबिक। तो ये पैकिंग आपको किस तरीके से नजर आया था, स्क्वेयर क्लोज पैकिंग इन 3D। एक जो लेयर है उस लेयर के जस्ट ऊपर ही दूसरा लेयर प्लेस होना चाहिए, तो उसको और क्या बोल सकते हैं, AAA टाइप ऑफ पैकिंग। अब आ जाते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पे। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का जो फिगर मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, इस फिगर को आप बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसी फिगर से आपको समझ में आएगा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का असली स्ट्रक्चर कैसा है। और इसी असली स्ट्रक्चर को अगर आप हर किसी डायरेक्शन में डुप्लीकेट कर दो तो उससे क्या बन जाएगा, स्पेस लैटिस, मतलब कि पैकिंग भी समझ में आएगी। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC,
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में लैटिस पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स पे और बॉडी सेंटर पे, इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है। कॉर्नर पे जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं और बॉडी सेंटर पे जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इफेक्टिवली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इतना तो केवल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो इसका एक स्टिक, बॉल स्टिक मॉडल में बना देता हूँ। कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट हैं और ये जो बॉडी सेंटर है यहां पे भी एक एटम प्रेजेंट है। बॉल स्टिक मॉडल। अब आप इस फिगर को बहुत अच्छे से देख लो, इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि स्पेस फिलिंग मॉडल में कौन सा एटम्स कनेक्टेड है और कौन सा एटम्स कनेक्टेड नहीं है। स्पेस फिलिंग मॉडल अच्छे से देख लो, और इसी मॉडल को अगर हर किसी डायरेक्शन में डुप्लीकेट कर देंगे तो पैकिंग आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको इसका टॉप व्यू बताना चाहता हूं, क्योंकि टॉप व्यू से ही आपको समझ में आएगा कि कौन सा एटम्स कनेक्टेड है। तो टॉप व्यू क्या बोलो, आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कॉर्नर के एटम्स हैं, ये कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे बॉडी सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है। तो जैसे मान लो कि ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर के एटम्स हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। तो आपको ये तो पता चल गया कि कॉर्नर के एटम जब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो यहां से कोई भी रिलेशनशिप आई फाइंड आउट नहीं कर सकते, किसके बीच में, आर और ए के बीच में। इस तरीके से लिखना पड़ेगा अगर यहां से रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, क्या लिखना पड़ेगा, आर प्लस समथिंग प्लस आर दैट इज इक्वल टू एज लेंथ ऑफ दिस यूनिट सेल। अब इस समथिंग की वैल्यू आपको थोड़ी पता है, तो यहां से तो आर और ए में कोई भी रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं हो सकता। आर और ए में अगर आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो कोई एक ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहां पर एटम्स कंप्लीटली कनेक्टेड हो, तो वो जगह अपने पास कौन सी आएगी, बॉडी डायगनल में। क्योंकि बॉडी डायगनल में आप देखना कि ये जो एटम्स हैं ये कंप्लीटली कनेक्टेड हैं, और कंप्लीटली कनेक्टेड हैं, यहाँ पे ये एटम है, यहाँ पे ये एटम है और ये एटम है, ये तीनों एटम्स कनेक्टेड हैं। तो यहां से हम बता सकते हैं कि R और A में क्या रिलेशनशिप होगा। लेकिन उसके पहले आप ये देख लो कि ये पर्टिकुलर यूनिट सेल बनाने के लिए किस तरीके का पैकिंग आपने किया होगा। तो सबसे पहले आप इसी लेयर पे आ जाओ, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्या प्लेस करना है, ये प्लेस करना है, और इस लेयर के ऊपर क्या प्लेस करना है, ये थर्ड लेयर प्लेस करना है। तो इस लेयर से अगर आप इसका पैकिंग बनाना चाहो तो देखना पैकिंग किस तरीके से बनेगा, वही स्क्वायर तरीके से ये पैक्ड है। इसको वापस से सर रिपीट करते जाओ, सिमिलरली ऊपर रिपीट करो, नीचे रिपीट करो, हर जगह आप इसको रिपीट कर सकते हो। और ये सारे जो एटम्स हैं इन सभी को मैंने क्लोजली पैक नहीं किया, एक दूसरे से टच नहीं किया, क्योंकि आपको सिंपल फिगर से समझ में आ रहा है कि कॉर्नर्स पे जो एटम है ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वेयर पैकिंग तो बोलेंगे, लेकिन स्क्वेयर क्लोज पैकिंग नहीं बोलेंगे, नॉट क्लोज पैक्ड। अब बताइए, इसके ऊपर जब सेकंड लेयर हम प्लेस कर रहे हैं तो ये सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के कहां जा रहा है, वॉइड में जा रहा है। तो यहां पे ये जो एटम आ रहा है ना, ये इस तरीके से प्लेस हो रहा है। अब ये जो एटम है सेकंड लेयर का, आपको ये बिगर एटम दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट लेयर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे जो स्फीयर से एक ही साइज के हैं। सिमिलरली यहां पे भी एक यूनिट सेल होगा, उसमें भी इस तरीके से ये बेस होगा, और उसके जस्ट ऊपर बॉडी सेंटर पे भी एक एटम प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली सेकंड लेयर इस तरीके से कंटिन्यू चलता जाएगा। तो क्या पता चल रहा है कि स्क्वायर पैकिंग है लेकिन स्क्वायर क्लोज पैकिंग नहीं है। सिमिलरली अगर ये लेयर ए है तो लेयर बी बोलेंगे इसको, क्योंकि लेयर ए के जस्ट ऊपर लेयर बी को आपने प्लेस नहीं किया है, लेयर ए में जो वर्ड्स हैं उसके ऊपर लेयर बी को प्लेस किया है, इसीलिए उसको लेयर बी बोलना पड़ेगा। तो यहां पर बेसिकली जो पैकिंग है वो कैसा होगा, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। तो यूनिट सेल से ही आपको समझ में आ गया कि किस तरीके का पैकिंग होना चाहिए और कैसा स्पेस लैटिस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया कि ये जो कॉर्नर के एटम्स है, कॉर्नर के एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, तो इस पर्टिकुलर लाइन से, मतलब कि यहाँ जो एज लेंथ है यहाँ से आप कोई भी रिलेशनशिप ए और आर में फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। एटम्स जहाँ पे टच करते हैं केवल उसी जगह से आप ए और आर में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बॉडी डायगनल के जो एटम्स है या बॉडी डायगनल के अलोंग ये सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये बॉडी डायगनल के अलोंग ये जो सेंटर पे अपने पास बॉडी सेंटर पे एटम प्लेस्ड है, ये इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर के एटम को टच कर रहा है।
तो यहीं से आपको ए और आर में रिलेशनशिप बताना है। अब ये बहुत इजीली आ जाएगा, बताइए ये जो बॉडी डायगोनल है, ये अपने पास कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम और ये बॉडी सेंटर पे जो एटम है, तो यहां क्या है आर 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 और आर, टोटल मिला के कितना डिस्टेंस हो गया ये 4R। तो 4R इज इक्वल टू रूट थ्री ए, रूट थ्री ए ही होता है अपने पास बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होता है। तो यहां से ए इज इक्वल टू कितना हो गया 4/√3R। ये आपको ए और आर का रिलेशनशिप पता चल गया, एक आपने बता दिया। सिमिलरली इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स और एटम्स, ये तो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। बताइए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आता है 1, तो टोटल BCC यूनिट सेल में 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। और ये भी हमने वापस से पता कर लिया। अब अगला क्या पता करना है, पैकिंग एफिशिएंसी पता करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है, डेंसिटी पता करना है। पैकिंग तो आपने पता कर ही लिया है और इस पैकिंग को हम वापस से रिपीट भी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में वापस से पैकिंग पढ़ना भी है। तो थर्ड पॉइंट अपने पास क्या जाएगा, ऐसा करते हैं पहले कोऑर्डिनेशन नंबर पता कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हम चाहे तो यूनिट सेल से भी बता सकते हैं, चाहे तो पैकिंग से भी बता सकते हैं, पैकिंग से बेटर व्यू आता है, लेकिन वही है कि पैकिंग बनाना हर बार फिजिबल नहीं होता है। यूनिट सेल तो आप बहुत ही जल्दी बना सकते हो, ये अपने पास एक लेयर हो गया, ये फर्स्ट लेयर हो गया और उसके बीच में यहाँ पे एक ये वाली लेयर है और इस वाली लेयर के जो एटम्स है फर्स्ट लेयर के जस्ट वॉइड्स में प्लेस्ड है। बाकी आपको देख ही रहा है कि स्क्वायर अरेंजमेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे स्क्वायर पैकिंग, बट ऐसा नहीं बोल सकते स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि ये सारे एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो इस पर्टिकुलर एटम की बात करें तो ये जो एटम है नीचे वाली लेयर के चारों एटम से कनेक्टेड है और ये भी ऊपर वाली लेयर के चारों एटम से कनेक्टेड है, क्योंकि इन्हीं के वॉइड्स में प्लेस्ड है। जब वॉइड्स में आप प्लेस करोगे, सॉरी इस तरीके से नहीं, क्योंकि ये कॉर्नर पे जो एटम्स है एक दूसरे से टच नहीं कर रहे, तो ये तो चारों एटम से कनेक्टेड होगा। तो चार एटम तो कहाँ है, नीचे वाले लेयर में चार एटम कहाँ है, ऊपर वाले लेयर में। इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, टोटल 8 ही होगा, 1, 2, 3, 4। ये ऊपर वाली लेयर बना देता हूं, 5, 6, 7, 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 8। और हम चाहें तो इस यूनिट सेल से भी पता कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एटम है सारे कॉर्नर से कनेक्टेड है, तो टोटल कितना एटम इससे कनेक्ट हो रहा है, 8। यहां से भी यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ गया, 8। नेक्स्ट आ गया अपने पास पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी जो फर्स्ट में आपने पैक किया था उससे तो बेटर ही है, तो बेसिकली 52.33% से तो ज्यादा ही आना चाहिए। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जितना वॉल्यूम पैक किया डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। क्यूबिक यूनिट सेल है जिसका एज लेंथ ए है, तो अभी भी वॉल्यूम अपने पास कितना है, ए क्यूब। कितना एटम पैक कर रहे हैं, 2 एटम, और हर किसी एटम का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, 4/3πr³। आर और ए में आपको रिलेशनशिप पता है तो ये वैल्यूज तो बेसिकली कट जाएंगी। क्या रिलेशनशिप है, √4R = √3A। कहां से आता है, बॉडी डायगोनल से आता है, ठीक है। तो यहां से सबको कट करने के बाद आपके पास कितना आएगा, 68% बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी आने वाला है। सिमिलरली डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी के लिए तो कोई फॉर्मूला चेंज हो ही नहीं सकता ना, डेंसिटी का तो एक ही फॉर्मूला है, मास बाय वॉल्यूम। अब मास के लिए अपने पास नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो सकते हैं, जैसे कि सिंपल क्यूबिक में एक ही एटम था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 एटम आ गए। तो डेंसिटी अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। बताइए मास कितना होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जेड मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम कितना होता है, m/n है। एम यहाँ पे क्या है, मोलर मास, किस में यूज करना है, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब। ए अपने पास यहाँ किस में होगा, सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी आ जाएगा। और यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना आ गया, 2। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नियरेस्ट नेबर्स। अब नियरेस्ट नेबर्स पता करने के लिए वापस से वही आपने यूनिट सेल बनाया और यूनिट सेल में किसी भी दो पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट के बीच में आपने डिस्टेंस पता किया। इसको अगर आप डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दोगे तो नियरेस्ट आपको पता चल जाएगा, नेक्स्ट नियरेस्ट पता चल जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट पता चल जाएगा। तो जैसे मान लो कि यही एक एटम आप कंसिडर कर लो, तो इस एटम के लिए एक तो अपने पास
ये एच पे एटम प्रेजेंट है, फेस डायगनल पे प्रेजेंट है, बॉडी डायगनल पे प्रेजेंट है, हाफ बॉडी डायगनल पे भी प्रेजेंट है। तो बॉडी डायगनल पे कितना होता है रूट थ्री ए, तो हाफ बॉडी डायगनल पे कितना होगा रूट थ्री ए बाई टू। सिमिलरली एच पे कितना होगा ए और फेस सेंटर पे कितना होगा रूट टू ए। अब पता कर लो कि कौन सा बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन सा है रूट थ्री ए बाई टू, तो ये नियरेस्ट नेबर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट में कितना आ जाएगा ए आ जाएगा, नेक्स्ट नियरेस्ट में कितना आ जाएगा रूट टू ए, और नेक्स्ट नियरेस्ट में कितना आ जाएगा रूट थ्री ए। इस तरीके से आप ये नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर भी पता कर सकते हो। तो यहाँ पर भी बॉडी सेंटर्ड क्यूब की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में केवल आपको अभी यूनिट सेल अच्छे से देखना है, और इस यूनिट सेल को अगर आपने अच्छे से देख लिया, क्योंकि पैकिंग अभी पता नहीं चलेगा, पैकिंग आपको बाद में ही पता चलेगा। सॉलिड स्ट्रक्चर्स में जब पैकिंग हम वापस से पढ़ेंगे ना, तभी आपको ये पता चलेगा कि एटम्स की पैकिंग हम किस तरीके से करें, किस तरीके से स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करें, ताकि उसका स्मॉलेस्ट पार्ट यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बने। केवल अभी हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को पढ़ना है, पैकिंग अभी नहीं आ पाएगा। तो इस यूनिट सेल को पढ़ने के लिए आप ये जो डायग्राम दिखा रखा है इसको अच्छे से देख लो। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या लैटिस पॉइंट्स कहाँ पे होता है, कॉर्नर्स पे टोटल मिला के कितने कॉर्नर्स हो गए 8, और बाकी कहाँ प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर्स पे, टोटल फेस सेंटर्स अपने पास कितने हो गए 6। बाकी आप ये देख सकते हो कि ये जो कॉर्नर्स पे एटम्स हैं ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, और जो फेस सेंटर के एटम्स हैं वो कॉर्नर वाले एटम्स को टच करते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये क्या बना रहे हम, बॉल स्टिक मॉडल। बॉल स्टिक मॉडल से केवल आपको ये पता चलता है कि लैटिस पॉइंट्स कहाँ पे हैं, इन लैटिस पॉइंट्स के बीच में कनेक्शन है या नहीं है, कौन सा एटम को टच कर रहा है, ये आपको नहीं पता चलेगा। तो क्यूबिक यूनिट सेल बना दिया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। फेस सेंटर अपने पास टोटल कितने होते हैं 6, तो ये राइट वाला फेस सेंटर, ये टॉप, ये बॉटम, ऐसा करता हूँ तो हॉलो सर्कल से बना देता हूँ, ये लेफ्ट, ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। टोटल 6 फेस सेंटर्स प्रेजेंट है। और अगर आप इसका टॉप व्यू देखो, अच्छे से देख लेना फिगर को, जो 3D फिगर आपको दिखाया जा रहा है, टॉप व्यू अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो कॉर्नर्स पे एटम्स हैं ये एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करते हैं। केवल कौन कनेक्ट करता है, ये जो कॉर्नर के एटम्स हैं ये सारे के सारे किससे कनेक्टेड होते हैं, फेस सेंटर पे। और ये फेस सेंटर का जो हाफ एटम है इसी यूनिट सेल में, और बाकी हाफ एटम का है ऊपर वाली यूनिट सेल में, तो इस तरीके से दिखेगा। बाकी आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो कॉर्नर के एटम्स हैं ये आपको स्मॉल नज़र आ रहे हैं, और फेस सेंटर का जो एटम है ये आपको बिग नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे स्फीयर एक ही जैसे हैं, बस ये बनाने का फर्क है। तो बताइए यहाँ पर भी आपको आर और ए में अगर रिलेशनशिप बताना है तो इस एच से रिलेशन आ जाएगा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से आप क्या लिखोगे, ये कितना है आर, ये कितना है आर, और इसको क्या कर सकते हैं हम समथिंग, तो क्या लिखना पड़ेगा आर प्लस समथिंग दैट इज इक्वल टू एच लेंथ ए, तो ये समथिंग की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको आर और ए में अगर कभी भी रिलेशनशिप बताना है तो इस तरीके से नहीं पता करना है जहाँ पे कनेक्शन नहीं हो, कनेक्शन एटम्स का जहाँ पे होता है केवल वहीं से आपको पता करना है आर और ए में रिलेशन। तो ये रिलेशन बेसिकली सिंपल क्यूबिक में कहाँ से आता है, एच से ही आता है, क्योंकि एच पे जो ये एटम्स है सिंपल क्यूबिक में कनेक्टेड होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो बॉडी सेंटर में कहाँ से आता है, बॉडी डायगनल से आता है। सिमिलरली फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कहाँ से आएगा, फेस सेंटर से आएगा, क्योंकि फेस सेंटर में ये जो कॉर्नर के एटम्स है ये फेस सेंटर पर एटम जो है इससे अटैच्ड, कहीं पर भी एम्प्टी स्पेस नहीं है। तो ये जो फेस सेंटर है अपने पास कितना हो गया, ये रूट टू है, दैट इज इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, टोटल कितना हो गया 4R, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया 2√2R। ये अपने पास R और A में रिलेशनशिप आ गया। बाकी आपको बहुत अच्छे से फील आना चाहिए कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है ये यूनिट सेल कैसा होता है। और आप देखिए ये जो फेस सेंटर के एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे मान लो कि इसको आप कंसिडर कीजिए, ये कॉर्नर वाला एटम फेस सेंटर के एटम से कनेक्टेड है, तो इस कॉर्नर से कितने फेस सेंटर निकल रहे हैं, एक तो ये ऊपर वाला फेस सेंटर है, एक ये फ्रंट वाला फेस सेंटर है, और एक ये साइड वाला फेस सेंटर है। तो ये जो कॉर्नर वाला एटम है टोटल 3 फेस सेंटर से कनेक्टेड है, टॉप वाले से, फ्रंट वाले से,
और लेफ्ट वाले से, ये जो भी एडजेसेंट फेस सेंटर है इनके एटम सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता करनी है क्योंकि ये आगे आपको काम आने वाली है। सिमिलरली और क्या पता करना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे पता करोगे, ये थोड़ा सा टिपिकल है। कोऑर्डिनेशन नंबर पता करने के लिए एटलीस्ट दो यूनिट सेल बनाना पड़ेगा। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12। अब देखना किस तरीके से आएगा, इसमें इनफैक्ट पैकिंग से भी आपको नहीं पता चलेगा जितना अच्छा यूनिट सेल से पता चलेगा। बताइए एटम्स कहाँ पे है, इस फेस सेंटर पे है। ये फेस सेंटर के एटम को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं, और कहाँ पे है एटम्स, कॉर्नर्स पे है, और ये जस्ट एडजेसेंट यूनिट सेल है। दोनों डिफरेंट यूनिट सेल नहीं है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड एक तरीके से। तो ये दोनों मिला के कितना हुआ, ये वन एटम ही तो हुआ ना, डबल एटम काउंट मत कर लेना। बस इस एटम का हाफ हिस्सा इस यूनिट सेल में और इस एटम का हाफ हिस्सा सेकंड यूनिट सेल में, तो ये जो वन एटम है जितने एटम से कनेक्टेड हो सकता है वही यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसको ढंग से देखना कि ये एटम किससे कनेक्टेड है, 1 2 3 4, फोर कॉर्नर से कनेक्टेड, इधर भी फोर कॉर्नर से कनेक्टेड है। तो आपको क्या लगता है कि 8 कोऑर्डिनेशन नंबर तो अभी हो गया, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि ये जो एटम्स है ये तो सेम है ना, ये एक ही तो कॉर्नर है और इस एक कॉर्नर के जो एटम्स है बाकी के यूनिट सेल में इक्वली डिवाइडेड होते हैं। तो यहाँ पे भी 1/8 पार्ट है, यहाँ पे भी 1/8 पार्ट है, ये सारे एटम सेम है। तो यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर अभी कितना आया, केवल 4 आया, और कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसका देख रहे हैं, ये जो फेस सेंटर पे एटम प्रेजेंट है इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं। बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर सभी एटम्स का सेम होता है, फेस सेंटर वाले का इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहां से देखना इजी पड़ेगा। तो फेस सेंटर पे ये जो एटम है क्रॉस इंडिकेटेड, इसका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर तो कहां से आ गया, कॉर्नर से, 4 फ्रॉम कॉर्नर्स। अब बाकी देखना, ये जो फेस सेंटर है अपना एडजेसेंट फेस सेंटर से कनेक्टेड होता ही है, और ये आपने अभी इसका जो 3D डायग्राम मैंने दिखाया था उस 3D डायग्राम में आपने बहुत अच्छे से देखा कि फेस सेंटर अपने एडजेसेंट फेस सेंटर से कनेक्टेड होता है। तो इसके एडजेसेंट फेस सेंटर अपने पास कौन से आ जाएंगे, ये बॉटम, ये टॉप, ये फ्रंट और ये बैक। सिमिलरली ये बॉटम, ये टॉप, ये बैक और ये फ्रंट। तो यहां से भी इस पर्टिकुलर एटम का हाफ हिस्सा 4 फेस सेंटर से कनेक्टेड है, इस एटम का हाफ हिस्सा 4 फेस सेंटर से कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये जो फेस सेंटर पे कंप्लीट एटम है ये इधर से 4 फेस सेंटर, इधर से 4 फेस सेंटर, टोटल 8 से कनेक्टेड है, और 8 4 से कहां से कनेक्टेड था, कॉर्नर से, तो टोटल कितना हो गया 12। तो 4 फेस सेंटर्स फ्रॉम लेफ्ट यूनिट सेल, सिमिलरली 4 फेस सेंटर्स फ्रॉम राइट यूनिट सेल। तो ये टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास आ गया 12। तरीके से यूनिट सेल से ही आप बता सकते हो कि फेस सेंटर क्यूबिक में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्योंकि जब इसकी पैकिंग आपको दिखाई जाएगी वो पैकिंग आप बेसिकली बोर्ड पे तो अच्छे से देख नहीं पाओगे, उसका 3D डायग्राम ही आपको देखना पड़ेगा, और 3D डायग्राम देखने के बाद भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि किसी भी पर्टिकुलर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ रहा है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 12 अगर आपको देखना है तो इसी पर्टिकुलर मॉडल का सहारा लेना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एस्टेब्लिश कर लिया, ए और आर में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी देख लेते हैं, और इस स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है कि यहां पे पैकिंग एफिशिएंसी और बेटर आएगा, मतलब 68% से भी ज्यादा आना चाहिए। जेड अपने पास क्या हो गया, इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स या इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो बताइए एटम कहाँ प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर्स पे 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है, फेस सेंटर्स पे 6 फेस सेंटर है 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन है, टोटल 4 एटम्स प्रेजेंट है। पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, वॉल्यूम पैक्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। टोटल वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट सेल है जिसका एज लेंथ अभी भी कितना है, ए ही है, तो ए क्यूब। और वॉल्यूम अपने पास किसका पैक होगा, स्फीयर्स का, स्फीयर्स अपने पास कितना है, इफेक्टिवली 4 है। एक स्फीयर का क्या वॉल्यूम आता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ए और आर में रिलेशनशिप क्या निकाला था, फेस सेंटर से आया था, फेस सेंटर की क्या डिस्टेंस होती है, √2 है, विच इज इक्वल टू 4 आर। इस रिलेशनशिप को यूज करना है तो यहां से आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 74%। पैकिंग एफिशिएंसी बता दिया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आपने बता दिए। अब एक लास्ट फाइनल पॉइंट हमें क्या पता करना है, नियरेस्ट नेबर।
अब ये नियरेस्ट नेबर में एक दो डिस्टेंसेस तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो आपको बहुत अच्छे से पता नहीं चलेगी उसके लिए आपको 3D डायग्राम देखना पड़ेगा, या एक रूम में आपको अपने आप को अज्यूम करना पड़ेगा, उसी के बाद आप ये डिस्टेंस बता सकते हो। तो जैसे मान लो कि वापस से मैं यहाँ पर एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना देता हूँ और उसमें सारी पॉसिबल डिस्टेंसेस हम लिखते हैं, उन डिस्टेंसेस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट सब पता चल जाएगा। अब देखते हैं कि आप सही बता पाते हो क्या। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे। तो ये कौन सा हो गया, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये फ्रंट और ये बैक। तो बताइए ये और जो एटम्स हैं या तो इनमें क्या डिस्टेंस है, या तो एच के अबाउट ए है, या डायगनल मतलब कि फेस डायगनल के अबाउट रूट टू ए बाई टू है, रूट टू ए बी है, या बॉडी डायगनल के अबाउट रूट थ्री ए बी है। सबसे लेसर डिस्टेंस कौन सा हो गया, रूट टू ए बाई टू, ये हो गया। इससे ग्रेटर कौन सा हो गया, ए। इससे ग्रेटर कौन सा है, रूट टू है और रूट थ्री है। तो ये नेक्स्ट नियरेस्ट ठीक है, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट भी ठीक है, लेकिन ये जो थर्ड नेक्स्ट है ये आंसर गलत है, क्योंकि इससे भी शॉर्ट डिस्टेंस यहां पे प्रेजेंट है। और वो शॉर्ट डिस्टेंस आप कैसे निकाल पाओगे उसका मैं हिंट आपको बता देता हूं, बाकी आंसर वो आपको ही निकाल के देना है कि जो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस है वो कितना आ सकता है। यहां से हिंट अपने पास क्या है, कौन सी डिस्टेंस हम देख रहे हैं, बेसिकली फेस डायगनल का डिस्टेंस देख रहे हैं थर्ड नेक्स्ट में, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इससे भी शॉर्ट डिस्टेंस आ सकता है। और वो शॉर्ट डिस्टेंस कहां से आएगा, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस आता अपने पास एक किसी कॉर्नर से और इसके सामने जो फेस डायगनल प्रेजेंट है उस फेस डायगनल की डिस्टेंस है। जैसे कि सामने ये फेस डायगनल प्रेजेंट है, तो यहाँ फेस डायगनल, सॉरी फेस डायगनल क्या, फेस प्रेजेंट है, इस फेस सेंटर पर एक एटम प्रेजेंट होगा, तो इस एटम और ये कॉर्नर के एटम के बीच की जो डिस्टेंस है ये आप निकाल के देखना, यही अपने पास नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर आएगा और उसमें कौन सा होगा, थर्ड नेक्स्ट, बाकी फर्स्ट टू नेक्स्ट आपको पता है। तो ये डिस्टेंस आप अच्छे से निकालना और ये जो डिस्टेंस है रूट टू ऐसे कम ही आने वाला है। तो ये टोटल आपने फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बेडी सेंटर्ड क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक तीनों यूनिट सेल आपने अच्छे से पढ़ लिया। इन यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाला, ई और आर में रिलेशनशिप भी निकाला, इन यूनिट सेल की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से आपने देखी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स भी निकाला और पैकिंग एफिशिएंसी भी आपने पता कर लिया। जो पहली दो यूनिट सेल थी सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इन दोनों यूनिट सेल को हर किसी पॉसिबल डायरेक्शन में डुप्लीकेट करके आपने ये भी पता कर लिया कि यहाँ पर पैकिंग किस तरीके का हो सकता है, लेकिन फेस सेंटर्ड क्यूबिक में अभी पैकिंग आपको नहीं बताया। ठीक है।